मन्नतें पूरी हो गई, 25 दिनों का वो बुरा वक्त बीत गया। शाहरुख के घर खुशियों भरे दिन लौट आए, बेटे की रिहाई का आदेश आ गया, अब जेल से बाहर आने का इंतजार है। कागजी कार्रवाई के बाद आज बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन जेल से घर आ सकते हैं। जमानत की खबर मिलते ही शाहरुख की मन्नत में खुशियां छा गई। घर के सबसे छोटे शहजादे अबराम चहकने लगे, भाई के घर आने की खबर से खुश होकर ऊपर नीचे करने लगे, छत पर आकर हाथ हिलाने लगे। पिता शाहरुख की तरह वो भी फैंस को शुक्रिया कर रहे थे। अबराम को कई बार पीछे खींचा जा रहा था, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। शाहरुख खान भी पहली बार रिलैक्स दिखे। आर्यन की जमानत का आदेश आते ही पहली बार किसी तस्वीर में पोज देते दिखे शाहरुख। लीगल टीम के साथ खिंचवाई इस तस्वीर में शाहरुख के चेहरे से तनाव गायब था, वो राहत महसूस कर रहे थे। 25 दिन बाद दिल का टुकड़ा रिहा होने जा रहा है। जमानत मिलने के बाद आर्यन की पैरवी करने वाले जाने माने वकील सतीश मान शिंदे ने सत्यमेव जयते कहा। निचली अदालत में आर्यन की जमानत खारिज होने के बाद एनसीबी के हाई प्रोफाइल जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने सत्यमेव जयते कहा था। मान शिंदे के बयान को इसी का जवाब माना जा रहा है। शाहरुख के घर के अंदर दिवाली से हफ्ते पहले का जश्न था, तो बाहर पटाखे जलाए जा रहे थे। शाहरुख के चाहने वाले बैनर पोस्टर के साथ उनकी खुशी में शरीक थे। खुशी के इस पल के साथी बनने के लिए कई दोस्त मन्नत भी पहुंचे। मलाइका अरोड़ा उन सितारों में शामिल थी जो आर्यन की जमानत के बाद शाहरुख के घर पहुंची। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल ही आर्यन की जमानत पर मुहर लगा दी, लेकिन कागजी कार्रवाई में आज दिन भर का वक्त लग सकता है। संभव है आर्यन के लिए आर्थर जेल का गेट आज शाम या कल खुले। हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के तीन अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर वन, अरबाज मर्चेंट नंबर टू एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा, उन तीनों को हाई कोर्ट ने बेल दिया है। आर्यन को जेल में जमानत की जानकारी कल शाम 6 बजे खाना देने के वक्त दी गई। बेल की खबर मिलते ही आर्यन ने मुस्कुराकर जेल के कर्मचारी को थैंक्स कहा। फिर आर्यन ने बैरक के कुछ कैदियों को भी इसकी जानकारी दी। आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आर्यन खान क्या आज ही मन्नत वापस पहुंच पाएंगे।